देखिए जो आप देख रहे हैं कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ करें। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, वो 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये CRPC का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से CBI ही ज़्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जहाँ जाता है वहाँ चले जाते हैं लोग, तो एक इशू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकते ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली CM और डिप्टी CM वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। इस रूप में आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति घट में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है, उसके लिए महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया, कल पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समाजी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता था। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे, 12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। और इन्होंने मजाक बना रखी है। ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इससे पूरा देश इतना घबरा हुआ है, चिंतित है, और इनको ये घमंड है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे तो बुला दिए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, जहाँ पर 2014 के चुनाव के अंदर जो कैंपेन चला था, वो बातें तो लोकपाल भी हो, चाहे वो ब्लैक मनी लेके आएंगे, वो सरकार बनते ही जो SIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में, ब्लैक मनी लाने वाले की, वो तो सब गायब ही हो गए, उनकी बात तो क्या करें। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी पर डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है, किसने कहा नहीं हो रही है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही, करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है, पर कितना मीडिया दिखाता उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ED पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए,
कब सीबीआई पहुंच जाए, स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है, डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ रहा नहीं रहा है। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बाकी तो जो अभी हमारे आजाद साहब अपनी बात कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो रोज़ बात करते रहता हूँ आपसे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का आगे आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। धन्यवाद।